क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हिंदुस्तान न्यूज 24 और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए आखिरी T20 मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत को 4 रन से हराकर T20 सीरीज अपने नाम कर लिया है। हालांकि 212 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की तरफ से विजयशंकर, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, क्रुणाल पांड्या समेत दिनेश कार्तिक ने तेज तर्रार पारी खेल भारत को जीत के बहुत करीब पहुंचा दिया था, लेकिन सिर्फ 4 रन से भारतीय टीम चूक गई। दरअसल भारत की हार की सबसे बड़ी वजह रही सलामी जोड़ी का निराशाजनक प्रदर्शन। पारी की शुरुआत करने आए शिखर धवन 4 गेंद में मात्र 5 रन बनाकर चलते बने, जबकि भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे रोहित शर्मा 32 गेंद में 38 रनों की पारी जरूर खेली, लेकिन रोहित की पारी इतनी धीमी रही कि भारत की जीत के लिए नाकाफी साबित हुई। बड़े बड़े हिट लगाने के लिए मशहूर रोहित शर्मा की धीमी बल्लेबाजी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। 32 गेंद पर 38 रन की इस पारी में रोहित ने एक भी छक्का नहीं जड़ा, जबकि भारत की तरफ से ऋषभ पंत ने 12 गेंद पर 28 रनों की तेज तर्रार पारी में 3 छक्के जड़े। इसके अलावा दिनेश कार्तिक ने भी आखिर में 16 गेंद पर 33 रन की विस्फोटक पारी में 4 छक्के जड़े। वहीं भारत की इस हार का जिम्मेदार क्रिकेट फैंस रोहित शर्मा की धीमी बल्लेबाजी मान रहे हैं। कुछ फैंस का तो ये भी कहना है कि भारत की हार का जिम्मेदार क्रुणाल पांड्या है। दरअसल क्रिकेट फैंस का मानना है कि क्रुणाल पांड्या दिनेश कार्तिक को कुछ और गेंद खेलने का मौका देते तो शायद भारत ये मुकाबला जीत जाता। आपकी नज़र में भारत की इस हार का जिम्मेदार कौन है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।